अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ग्लोब। एक बार फिर आपके साथ हाजिर है समीर रमज़ान एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो वफाकी मुतसवे सेक्रेटरीट हेड ऑफिस इस्लामाबाद में जो इंटर्नशिप्स आई हुई हैं, तो उस हवाले से मैं आप लोगों के साथ जो है वो वीडियो शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसकी जो एज लिमिट है वो 23 से लेकर 28 तक है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 मई तक है। ठीक है, यानी कि 15 मई तक आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो थोड़ा जो है वो एजुकेशन को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, मास्टर्स चाहिए, तो क्या चाहिए, तो वह सारी चीज़ें मैं आपको इसमें क्लियर करूँगा। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और आप लोग ये देख सकते हैं। ये फॉलोइंग फंक्शन है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस एंड मेल एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज, इम्प्लीमेंटेशंस, अप्रेजल, इन्वेस्टिगेशन विंग, एडमिनिस्ट्रेशन विंग, अकाउंट्स विंग, कोऑर्डिनेशन विंग, डीलिंग विद स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक इश्यूज एंड न्यू इनिशिएटिव्स। तो ये चीज़ें होंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसमें, सबसे पहले जो है वो ए ऑप्शन जो है वो इसमें है, फ्रेश आर ग्रेजु आर पोस्ट ग्रेजुएट्स, फ्रेश ग्रेजुएट्स आर पोस्ट ग्रेजुएट्स, यानी कि आप लोगों ने जो फ्रेश ग्रेजुएट होंगे वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट जो होंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एजुकेशन जो हो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन फ्राम एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज बाय द हायर एजुकेशन कमीशन। ठीक है, यानी कि आपकी जो एजुकेशन है वो कम से कम 16 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक हो गया। अभी इसमें ग्रेजुएट जो आता है और पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट में यानी कि 14 ईयर्स की एजुकेशन उन्होंने नहीं लिखी है, जस्ट ग्रेजुएट लिखा है और नीचे जो एजुकेशन लिखी है वो 16 ईयर्स लिखी है। तो इसका मतलब ये ग्रेजुएशन उसको कह रहे हैं जो डिग्री आपकी बीएस ऑनर्स की होती है, यानी कि बीएस आईटी हो गई, बीएस केमिस्ट्री हो गई, बीएस फिजिक्स हो गई, तो उस हवाले से जो है वो यानी कि 16 ईयर्स से उन्होंने एजुकेशन लिखी है, इसका मतलब कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। और जो आपकी ग्रेजुएशन की यानी कि जो बैचलर्स की होगी वो आपकी 16 ईयर्स की होनी चाहिए, यानी कि बीएस ऑनर्स जो हम करते हैं 4 ईयर्स की डिग्री इंटर के बाद, तो आपकी इंटर के बाद 4 ईयर्स की दूसरी डिग्री तो 16 ईयर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है फील्ड। अच्छा, ये कुछ फील्ड्स इन्होंने लिखी है, इनको ये प्रेफरेंस देंगे, एनी फील्ड ऑफ सोशल साइंसेज, जैसे कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू इन लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स एंड आईटी। तो ये जो फील्ड्स हैं इनको ये प्रेफरेंस देंगे, लेकिन बाकी के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है वो 23 से लेकर 28 तक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो इसमें पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, नेशनलिटी जो है वो पाकिस्तानी नेशनल हो, और मिनिमम परसेंटेज जो आपकी हो एटलीस्ट 70% मार्क्स हो आपके, या फिर 2.9 CGPA हो, और जेंडर जो है वो बोथ मेल एंड फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। ठीक है, और आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी हो वो आप कहीं पे भी जो है वो एम्प्लॉय ना हो, स्टूडेंट स्टेटस जो हो वो अभी कहीं पे भी आप पढ़ ना रहे हो, आपकी डिग्री कंप्लीट हो। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपकी स्टाइपेंड जो इसमें होगी वो 20,000 पर मंथ आपको दी जाएगी, और ये जो है वो 4 मंथ का है, यानी कि 4 मंथ्स की जो है वो इंटर्नशिप है। और अभी इसमें हम आते हैं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना होगा, अप्लाई करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये बिल बहुत ही सिंपल है। नीचे अभी आते हैं हम, और यहाँ पे देखें नंबर फोर पॉइंट पे लिखा हुआ है, दी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया में सबमिट दियर अलॉन्ग विद एप्लीकेशन ऑन दी अटैच्ड प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म ऑन आर बिफोर दी 15 मई 2022 अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू द ईमेल। ये इनकी ईमेल है, वफाकी मुतसवे admin1@gmail.com आर थ्रू कोरियर सर्विस टू द फॉलोइंग एड्रेस। आप अगर जो है वो इनको ईमेल के जरिए भेजना चाहें तो वो भी भेज सकते हैं, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए, और आप इसका जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपका जो है वो फिल होना चाहिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भी, अगर आप डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहते हैं इनकी एड्रेस पे, तो नीचे एड्रेस लिखा गया है, ये देखें, द डायरेक्टर एडमिन वफाकी मुतसवे सेक्रेटरीट अपोजिट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू और इस्लामाबाद। नीचे इनका जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा गया है, फ़ोन नंबर। अब आते हैं फॉर्म की तरफ, मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ, और वो फॉर्म सिंपली है, उसको फिल करके और वो बाद में आप ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। ईमेल अगर आप करेंगे तो फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए, उसके बाद स्कैन किए हों अच्छे से, और फिर आप भेज सकते हैं। ठीक है, और आप जो जो फॉर्म फिल करेंगे उस फॉर्म को भी आप स्कैन करके वो सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, सिंपली इसमें आपको जो है वो नेम ऑफ एप्लीकेंट लिखना है, यहाँ पे आपको जो है वो अपना पासपोर्ट फोटोग्राफ जो है वो पेस्ट करना है इस पर।
ठीक है, नेम ऑफ एप्लीकेंट इन ब्लॉक लेटर्स यानी कि बड़ी अभी इसमें लिखना है, फादर्स नेम इन ब्लॉक लेटर्स बड़ी अभी इसमें लिखना है, और प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस लिखनी है, डोमिसाइल लिखना है, ठीक है, जेंडर लिखना है और मेल है या फीमेल, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है, एज लिखनी है, एसटीएनसी नंबर लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो लिखनी है, ठीक है। अगर आपका कोई कंप्यूटर के हवाले से टेक्निकल कोई डिप्लोमा या फिर कुछ आईटी की जो भी डिग्री है वो भी लिखनी है, ठीक है। डेट लिखनी है, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, ये सिंपल सा फॉर्म है, ये आपको फिल करना है। और ये अगर आप डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट सेंड करना चाहते हैं कुरियर के ज़रिए तो भी कर सकते हैं, या फिर ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो और डिटेल के साथ मैंने आप लोगों को बताया है, यकीनन आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को इसमें अप्लाई कैसे करना है और डिग्री कौन सी होनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड होंगी। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, लेकिन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो फाइनल में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आपके पास मजीद ऐसी वीडियोज़ की अपडेट्स आती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।